जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम लोग खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम आपको खड़िया जनजाति के बारे में बता दिए, यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ जाकर के देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं कौन सी जनजाति की शासन व्यवस्था, हम आपको बता रहे हैं खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो खड़िया जनजाति हम आपको बता रहे हैं, खड़िया जनजाति इसके बारे में हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि खड़िया का मतलब ही पालकी होता है, ठीक है। और ये जनजाति जो है ना पालकी ढोने का काम करता था, इसीलिए इस जनजाति को खड़िया के नाम से जाना जाता है। साथ में हम आपको यह भी बता चुके हैं कि जो जनजाति है तीन भागों में बटा हुआ है, एक आपका दूध खड़िया, एक ढेलकी खड़िया और एक पहाड़ी खड़िया, और तीनों में थोड़ा बहुत अंतर भी पाया जाता है। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं, तो याद रखिएगा खड़िया जनजाति कौन सी जनजाति बता रहे हैं, खड़िया जनजाति। आज हम लोग ना इसका शासन पढ़ेंगे, ठीक है। और याद रखिए खड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, उसको ढोकलो सोहोर, ठीक है, शासन व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या बोला जाता है? ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था हम आपको बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था बोला है। ढोकलो का मतलब ही बैठक होता है और सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष, ठीक है। तो बैठक की अध्यक्षता, ठीक है। अब ये बैठक की अध्यक्षता ढोकलो सोहर क्या है, आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा। तो आपको सबसे पहले तो याद ये रखना पड़ेगा कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और ये जो खड़िया जनजाति बता रहे हैं, याद रखिएगा मुंडा का ही एक उपशाखा है। कौन सी जनजाति की उपशाखा? तो मुंडा का। और इसका जो शासन व्यवस्था है ना, इसमें भी मुंडाओं के शासन व्यवस्था का थोड़ा बहुत छाप देखने को मिलेगा, मतलब मुंडा शासन व्यवस्था से थोड़ा बहुत आपको मिलता जुलता देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं, पद के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो याद रखिएगा शासन व्यवस्था में आएगा पद का नाम, वो आ जाएगा आपका महतो। क्या बता रहे हैं? महतो। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। तो ये जो महतो के बारे में बता रहे हैं ना दोस्तों, महतो ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिएगा महतो किसको बोला जाता है? तो खड़िया जनजाति में जो गांव बसाने का काम करता है, ठीक है, जो गांव बसाता है ना उसको बोला जाता है महतो। मतलब गांव का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो गया महतो, पता चल रहा। तो क्वेश्चन पूछेगा खड़िया जनजाति में गांव का प्रधान क्यों हो जाएगा, तो महतो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महतो। अब देखिए ये जो महतो वाला पद आपको बता रहा ना, ये पद याद रखिएगा वंशानुगत होगा। वंशानुगत मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, ये पद हम आपको क्या बताएं? वंशानुगत होगा। मतलब याद रखिएगा वंशानुगत किसको बोलते हैं? तो याद रखिए कोई आदमी यदि महतो है तो उसके बाद फिर उसका बेटा महतो बन जाएगा, फिर उसका बेटा बन जाएगा, मतलब ये पद आपको क्या बता रहा है? तो वंशानुगत है। लेकिन यदि कभी मान लीजिए महतो कोई गड़बड़ी कर दे तो गाँव वालों की सहमति से महतो को हटाया भी जा सकता है। बस हमारा क्या बोल रहे हैं, ये पद है वंशानुगत, बसरते याद रखिएगा यदि मान लीजिए गाँव वाला सब मिल के यदि चाहेगा महतो को हटाना तो इसको भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि याद रखिए गांव का प्रधान कौन होता है, तो महतो होता है। और महतो हम आपको बताएं किसको बोला जाता है खड़िया जनजाति में, तो जो गांव को बसाने का काम करता है ना उसको क्या बोलते हैं? तो महतो बोलते हैं। गांव का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्या हो गया? महतो, ठीक है। पद है वंशानुगत, लेकिन याद रखिएगा जरूरत पड़ेगा तो गांव वाला मिल करके इसको हटा भी सकता है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा आगे। अब देखिए महतो के बारे में क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसका काम क्या? तो महतो गांव में जो विवाद होगा इसका निपटारा क्या कर देगा? तो महतो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। महतो के बाद और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पद है जिसको याद रखें, करटाहा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? करटाहा। अब देखिए करटाहा जो बता रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। करटाहा बोल रहा है कि 20 से 25 गांव का आदमी मिलकर चुनेगा इसको। कितना गांव का आदमी बताएं? 20 से 25 गांव का आदमी मिलकर के याद रखिएगा एक योग्य व्यक्ति को चुनेगा करटाहा के पद पर। आप देखिए इतना गांव का आदमी यदि मान लीजिए मिलकर चुनेगा तो ये तो व्यक्ति याद रखिएगा बहुत जानकार होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, तो ये आदमी ईमानदार होना चाहिए। सिस्टम है, यदि आप करटाहा बने हैं तो करटाहा उसी को बनाया जाएगा। तो करटाहा का चुनाव जो होता है 20 से 25 गांव का आदमी मिलकर के चुनता है। तो सोचिए 20 से 25 गांव का देखभाल ये मान लीजिए करेगा, तो आदमी सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है। और याद रखिए कि इसको सामाजिक रीति रिवाज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, तभी आप करटाहा बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, करटाहा वाला जो पद है यह वंशानुगत होगा क्या? याद रखिएगा यह पद वंशानुगत नहीं होगा,
आपको याद रखना है, ठीक है। यह पद वंशानुगत नहीं होगा और करटाहा को किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 20 से 25 गांव मिलकर के करटाहा चुनेगा, याद रखिएगा। ये इस पद पर जो भी आदमी आएगा वो ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, न्यायप्रिय होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, समाज के रीति रिवाज के बारे में इसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और ये पद जो है वंशानुगत नहीं होगा, मतलब इसका चुनाव होता है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आदमी बैठा तो उसका बेटा बैठ जाएगा उसके बाद, ठीक, ऐसा नहीं है, ठीक। इसमें करटाहा का चुनाव होता है, ठीक। और इसको किसी भी तरह का कोई वेतन मिलता है तो नहीं, इसको किसी भी तरह का कोई वेतन वगैरह नहीं दिया जाता है। किसका बात हम कर रहे हैं, तो करटाहा का, ध्यान दीजिएगा। तो गांव की शासन व्यवस्था संचालित करने का काम देखिए करटाहा का है, ठीक। कि गांव की शासन व्यवस्था को क्वेश्चन पूछता है कि संचालित करता है, तो करटाहा संचालित करेगा। अब देखिए करटाहा जो हम आपको बता रहे हैं कि गांव में कोई भी घटना होगा, कोई भी समस्या होगा, ठीक, उसका निपटारा कौन करेगा, तो करटाहा करेगा, ठीक। अब याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, जो करटाहा बता रहे हैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कौन सा इंपॉर्टेंट काम, मान लीजिए याद रखिएगा, कोई आदमी अशुद्ध हो गया, कोई गलत काम कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है, अशुद्ध हो गया। अब उसको कहने का मतलब है उसको हम क्या किए, तो गांव से उसको बाहर निकाल दिए। अब याद रखिएगा उसका शुद्धिकरण कैसे होगा, तो शुद्धिकरण कराने का काम उसका करटाहा करेगा। वो करटाहा के पास आएगा, ठीक है, बताएगा कि दोबारा हम इस तरह का कोई गलती वगैरह नहीं करेंगे, ठीक। तो करटाहा के पास आएगा, याद रखिएगा, शुद्धिकरण कराने के लिए। तो ये जो शुद्धिकरण करवाएगा ना, उसको बोलते हैं भात भीतर। क्या बोला जाता है, भात भीतर। तो मान लीजिए कोई आदमी अशुभ हो गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा अशुद्ध यदि हो गया तो उसको शुद्धिकरण किसके जरिए होगा, तो करटाहा के जरिए होगा। किसके जरिए होगा, करटाहा के जरिए होगा, पता चल रहा। तो यदि किसी को अशुद्ध घोषित कर दिया, कुछ गलत गड़बड़ काम कर दिया, ठीक, अब उसको अशुद्ध घोषित कर दिया, तो पूछेगा उसको शुद्ध करने का काम किसका है, कौन उसको शुद्ध कर सकता, तो करटाहा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो करटाहा बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पद, लेकिन ये यदि आपने नियम का कभी उल्लंघन वगैरह करे ना, तो इसको हटाया भी जा सकता है, मतलब चुन सकता है तो इसको हटाया भी जा सकता है, किसको, करटाहा को। तो करटाहा बहुत इंपॉर्टेंट पद है, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करटाहा के अलावा एक इससे छोटा एक पद होता है जिसको खूंट बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है उसको, खूंट बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि गांव के द्वारा जो है ना, गांव वाला एक दो तीन गांव मिलकर के, याद रखिएगा, क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र को निर्माण करता है। क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र दो तीन गांव मिलकर के निर्माण करता है, जिसको खूंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खूंट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझना है आप लोगों को क्या बोल रहे हैं। देखिए ये जो खड़िया समाज आपको बता रहे, देखिए हम ज्यादा कुछ नहीं बताए आप लोगों को, एक महत्व बताए हैं, उसके बाद करटाहा बताए, और दो तीन गांव जो बता रहे हैं वो लोग मिल करके एक आपका क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र तैयार करता है, जिसको खूंट कहा जाता है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। खूंट का मतलब एक्चुअली वंश होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए जैसे ढोकलो, ठीक है, तो याद रखिएगा संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक जो होता है ना, बैठक, तो पूरा खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा ढोकलो किसको बोलते हैं, तो संपूर्ण खड़िया समाज की जो बैठक है, इस बैठक को ही याद रखिएगा ढोकलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढोकलो। संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को क्या बोलते हैं, तो ढोकलो बोलते हैं। और याद रखिएगा खड़िया जनजाति जो आपको बता रहे ना, ये जो ढोकलो जो मतलब बैठक का आयोजन जो है साल में एक बार करता है, वार्षिक आयोजन करता है, जिसमें याद रखिएगा सभी गांव का प्रतिनिधि शामिल होगा। गांव का प्रतिनिधि कौन शामिल होगा, तो महतो शामिल होगा, करटाहा शामिल होगा, आगे हम आपको बताएंगे पाहन वगैरह शामिल होता है, ठीक है, और भी कुछ पद होता है वो भी शामिल होता है, ठीक। तो सारा इंपॉर्टेंट आदमी याद रखिएगा शामिल होगा, ठीक। तो बैठक जो बता रहे हैं, तो मान लीजिए कोई बैठक होने वाला है, उसका आयोजन क्या करेगा, जैसे हम आपको बताएं कि ढोकलो को क्या बोलते हैं, तो बैठक होता है, तो ढोकलो का आयोजन करता कौन, तो आयोजन याद रखिएगा करटाहा करता है। कौन करता है, करटाहा, पता चल रहा। तो ढोकलो का आयोजन कौन करता है, करटाहा करता है। और याद रखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा क्या, एक होता है ढोकलो सोहोर, ठीक है, तो ढोकलो सोहोर का मतलब क्या बताएं हम आपको, ढोकलो का मतलब बैठक और सोहोर का मतलब अध्यक्ष, मतलब कि इसमें एगो ढोकलो सोहोर भी होता है। क्या होता है, एगो ढोकलो सोहोर भी होता है, ठीक है। तो ये जो ढोकलो सोहोर आपको बता रहे हैं, ढोकलो सोहोर याद रखिएगा बोल रहा है कि तीन साल में ढोकलो सोहोर का याद रखिएगा चुनाव किया जाएगा। कितना साल में, तीन साल में ढोकलो सोहोर का चुनाव किया जाएगा। तो ढोकलो सोहोर जो बता रहे ना, ये खड़िया समाज का हो गया राजा, ठीक है, मतलब कुल मिला करके करटाहा भी याद रखिएगा ढोकलो सोहर को सूचना देगा। करटाहा से भी बड़ा है कौन, ढोकलो सोहर। जैसे गांव में कोई वाद विवाद होगा, पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं, अब वाद विवाद मान लीजिए कुछ भी वाद विवाद हुआ, ठीक,
तो वाद विवाद होगा तो उसका सूचना जो है याद रखिएगा ढोकलो सोहर तक पहुंचाए। क्यों? क्योंकि ढोकलो सोहर पूरा खड़िया समाज का राजा है। ढोकलो सोहर पूरा खड़िया समाज का राजा, ढोकलो हो गया बैठक और पूरा समाज मिल करके एक राजा चुनता है जिसको बोलते हैं ढोकलो सोहर। क्या बोला जाता है? ढोकलो सोहर। तो याद रखिए करटाहा से भी ऊपर हुआ कि नहीं हुआ ढोकलो सोहर। आप ढोकलो सोहर देखिए, हम आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा, ढोकलो सोहर इसकी सहायता के लिए कुछ मंत्री वगैरह भी होता है, कुछ और पद है जो ढोकलो सोहर का सहायता करता है। थोड़ा समझना है इसको बहुत बढ़िया से आप लोगों को, ठीक है। देखिए सहायता के लिए ढोकलो सोहर का सहायता करने के लिए कुछ पद होता है, जैसे एक होता है आपका, आप याद रखिएगा लिखा कड़, ठीक है। याद रखिएगा ढोकलो सोहर जो बता रहा है ना, ढोकलो सोहर याद रखिएगा, ये पूरा खड़िया समाज का राजा हो गया, पता चल रहा। तो या ढोकलो सोहर का सहायता करने के लिए क्या होता है? तो लिखाकड़। अब ये लिखाकड़ के है, याद रखिएगा ये राजा का सचिव या मंत्री है, राजा का सचिव या मंत्री। मतलब याद रखिएगा राजा कौन हो गया? तो ढोकलो सोहर हो गया राजा। याद रखिएगा इसका सचिव किसका सचिव? राजा का सचिव, ठीक है। किसका सचिव बता रहे? तो राजा का सचिव या मंत्री कौन हो गया? ढोकलो सोहर। पता चल रहा है क्या? वो राजा का सचिव या मंत्री। याद रखना है ये जो हम आपको बता रहे उसका सेक्रेटरी है, प्रशासनिक सहयोग करता है। किसका? प्रशासनिक कामों में सहयोग करेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे ढोकलो सोहर हो गया खड़िया जनजाति में राजा, अब राजा का सचिव कौन है? तो लिखाकड़ है। याद रखिएगा उसका सचिव होता है और मंत्री होता है। क्या होता है? सचिव और साथ साथ में याद रखिएगा मंत्री भी है, ठीक। ध्यान दीजिएगा प्रशासनिक काम हो चाहे कोई भी काम हो, चाहे प्रशासनिक काम हो या सामाजिक काम हो या राजनीतिक काम हो, किसी भी काम में ये सचिव है सेक्रेटरी है तो सहायता करेगा। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? देखिए उसी तरह ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। एक और पद है, ठीक है, जिसको तीन जोकड़ बोला जाता है। जैसे ये आपका लिखाकड़ हो गया ढोकलो सोहर का सहायता करने के लिए, ढोकलो सोहर मतलब खड़िया समाज का राजा, उसका सहायता करने के लिए वो लिखाकड़ ढोकलो सोहर मतलब राजा का आपका सचिव हो गया, मंत्री हो गया। एक होता है तीन जोकड़, क्या बताएं? तीन जो कड़। अब ये जो तीन जो कड़ आपको बता रहे हैं ना, तीन जो कड़, ये है खजांची। क्या है ये? खजांची। खजांची का मतलब याद रखिएगा क्या होता है? आय व्यय का विवरण रखना, पैसा कौड़ी का जो हिसाब किताब रखता है ना, उसको बोलता है तीन जोकड़। क्या बोलता है? तीन जोकड़। याद रखिएगा इसको बोलते हैं हिंदी में खजांची, मतलब ये जितना आय व्यय खर्चा वगैरह का हिसाब किताब जो रखता है ना, उसको क्या बोलते हैं? तीन जोकड़। इसका ये खजांची वाला काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे सचिव आपको बता दी किसको, आपका लिखाकड़ हो गया। एक अलग से याद रखिएगा सलाहकार भी होता है, जिसको देवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवान। ये कौन है? तो सलाहकार है। किसका? राजा का सलाहकार। पता चल रहा? तो क्या बोलते हैं इसको? देवान। ये अलग अलग याद रखिए, किसी भी मामले पर इसका भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये राजा को सलाह देने का काम करता है किसी भी मामले पर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, समझना है क्या बोल रहे हैं। देखिए ये सब पद तो आपको पता चल रहा है, इसके अलावा देखिए धार्मिक प्रधान यदि पूछा जाएगा तो धार्मिक प्रधान होता है आपका पाहन या फिर इसको कालो भीक बोलते हैं। अब धार्मिक प्रधान तो ये आप लोगों को पता होगा, इसका काम क्या होगा? धार्मिक प्रधान कोई भी पर्व त्यौहार शादी विवाह किसी भी तरह का अवसर होगा, पूजा पाठ का संचालन क्या करेगा? तो पाहन करेगा या कालो करेगा, पाहन या फिर कौन करेगा? कालो, ठीक है। इसमें भी सिस्टम दिया हुआ है कि पाहन को जो जमीन मिलता है उस जमीन को क्या बोलते हैं? तो पहनई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पहनई। पाहन को जो जमीन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पहनई बोला जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज याद रखना है कि जो पाहन या कालो आपको बता रहे हैं, ये तो आपको पता है ना दूध खड़िया, और याद रखिएगा किसका है ये? दूध खड़िया ढेलकी खड़िया का है ये पाहन और कालो। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि आपका जो पहाड़ी खड़िया है उसमें भी, तो याद रखिएगा पहाड़ी खड़िया के बारे में पता है आप लोगों को, तो पहाड़ी खड़िया में जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या बोला जाता है? तो याद रखिए हम पहले बता चुके हैं, उसको डिहुरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? डिहुरी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? डिहुरी। पहाड़ी खड़िया वाला याद रखिएगा, जैसे ये पाहन या कालो हो गया आपका किसके लिए? दूध खड़िया ढेलकी खड़िया के लिए। लेकिन पहाड़ी खड़िया के लिए पूछेगा धार्मिक प्रधान कौन है? तो डिहुरी है। कौन है? डिहुरी है। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, घबराने की दरकार नहीं है, समझना है क्या बोल रहे हैं। तो देखिए हम आपको बताएं खड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था आपको बता रहे, इसको ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक
दो चार लाइन ही आपको याद रखना है, बढ़िया से सारा याद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था बताएं, इसको ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसका शासन व्यवस्था याद रखिएगा, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलता जुलता हम आपको बताएं। इसके अलावा हम आपको क्या बताएं, मुंडा जनजाति की ही एक उपशाखा है, ठीक है। तो शासन व्यवस्था में याद रखिएगा, मिलता जुलता शासन व्यवस्था है तीनों का, मतलब पहाड़ी खड़िया हो, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, तीनों का। पहाड़ी खड़िया का सिर्फ धार्मिक प्रधान तो डिहुरी कहलाता है, पता चल रहा, बाकी तो सब एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो गांव का प्रधान कौन होता है, तो महतो होता है। उसके बाद 20 से 25 गांव को मिलाकर के करटहा चुना जाता है। करटहा याद रखिएगा, ये पद वंशानुगत होता है तो नहीं, लेकिन महतो होता है तो हाँ होता है, ठीक है। अब करटहा के अलावा एक खूंट भी बताएं, ठीक है, दो तीन गांव मिलकर के खूंट बना सकता है क्षेत्रीय प्रशासन के लिए। इसके अलावा याद रखिएगा, ढोकलो जो बताया, ढोकलो मतलब बैठक, बैठक होता है साल में एक बार, ठीक है। और सोहर उसका अध्यक्ष जो है, तो ढोकलो सोहर चुनाता है तीन साल में, या ढोकलो सोहर मतलब खड़िया, पूरा खड़िया समाज का हो गया राजा। ढोकलो सोहर का सहायता करने के लिए कुछ पद होता है, क्या होता है, तो एक याद रखिएगा, लिखाकार होता है। ये लिखाकार के है तो सेक्रेटरी है, सचिव है, मंत्री है राजा का, ढोकलो सोहर का। वो तीन जो कर आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला है। उसके बाद देवान बताएं, ये ढोकलो सोहर मतलब राजा का ये हो गया सलाहकार, ठीक है। उसके बाद पाहन का काम क्या बताए, तो धार्मिक प्रधान हो गया, तो पाहन या फिर कालो, ठीक। लेकिन पूछेगा कि धार्मिक प्रधान जो है ना, पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान कौन है, तो फिर याद रही डी हुरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। तो वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर वगैरह जरा कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक।